जय आरसीएम दोस्तों, आटा के फैक्ट्री में आए हैं। यहाँ से शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसेसिंग हम लोग समझेंगे। सर का नाम ओम है, तो सर के लिए सारे लोग एक बार ताली बजा दीजिए। जय आरसीएम। ठीक सर, मैं आपको आटा प्लांट के बारे में बताने से पहले आपका 2 मिनट का समय अलग से लेना चाहूंगा कि आपको ये समझना जरूरी क्यों है। ये समझने के पीछे क्या होता है, किसी भी आप मार्केट में जाइए, किसी भी आपके प्लांट को लेके जाइए, किसी प्रोडक्ट को लेके जाइए, आपको क्वेश्चन मार्क शब्द का सामना करना पड़ेगा। व्हेन, व्हाई, हू, व्हाट, हु, मतलब ये चीजें आप तो सबसे बड़े क्रिटिकल शब्द होता है व्हाई। मैं ये आटा क्यों दूं, क्यों नहीं, तो इसका क्यों का आपके पास जवाब होगा तो आप इस उपभोक्ता को, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को, आप संतोषपूर्वक जवाब दे सकते हैं। और दो शब्द का समाधान यहाँ पे होगा कि आपका ये आटा क्यों है। अब क्या है, कोई भी कहता है कि गेहूं से आटा क्या बनता है, गेहूं हो रही है आटा, ये सीधा बाईपास हो जाता है। आरसीएम बाईपास नहीं होती, आरसीएम पूरी लाइन से चलती है। ये जो पूरी लाइन है, ये आरसीएम की पूरी लाइन से आटा बनता है। ये इन मशीनों में कहती कहता है, इस प्रकार का ये ऑपरेशन होता है, वो नहीं करता है। गेहूँ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई मशीनों में तो बनता नहीं है, तो इसमें हर बार एक शरीक आएगा। तो गेहूँ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो उसमें एक स्टैंडर्ड हमें निश्चित तरह से रखा है। 0.75 की डेंसिटी वाला गेहूँ हम इसको परचेज करते हैं। 0.75 डेंसिटी का मतलब होता है एक लीटर में 750 ग्राम गेहूँ। 750 ग्राम से यदि गेहूँ कम आता है तो हमारी जो रिजेक्ट है, 750 अबव है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में गेहूँ की क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। गेहूँ की क्लीनिंग में सबसे पहले होता है कि गेहूँ जो थ्रेसर से निकलता है, किसी मशीन से निकलता है, तो उसमें छोटे टुकड़े भी कहीं हो जाते हैं, तो उसको मैं अलग से रिमूव हो जाता है, उसके साथ में उसकी डस्ट वगैरह निकल जाती है। सेकंड आती है कि जो इम्प्योर गेहूँ होते हैं, जो अधपके गेहूँ होते हैं, कच्चे गेहूँ होते हैं, इम्प्योर गेहूँ होते हैं, उनको अलग से निकाल लिया जाता है। इसके बाद में ये आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन जो गेहूँ के बाजू के साथ में जो इस प्रकार का रिजेक्शन आता है, उसको अलग से किया जाता है। गेहूँ खेतों में होता है, तो निश्चित तौर पर खेतों में नीचे भी गिरता है, तो उसमें अनऑर्गेनिक रिजेक्शन भी आएगा, कंकड़ पत्थर वगैरह सब आएंगे, तो कंकड़ पत्थर को भी एक मशीन होती है, उससे अलग से निकाल लिया जाता है। अब ये जब पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसमें क्या होता है कि गेहूँ के पौधे के साथ में जो बड़बोल होती है, वो बड़बोल गेहूँ के साथ आ जाती है। वो अलग इसलिए नहीं हो पाती है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो गेहूँ के बराबर होती है। उस डेंसिटी को मशीनें उसको रिमूव नहीं कर पाती है, क्योंकि मशीनें चलती है अपने कमांड पे। मशीनों को बोल रहे हैं कि इस डेंसिटी का हमें एक्सेप्ट कीजिए, इस डेंसिटी का हमें आउट कीजिए, तो उस गेहूँ के बराबर की डेंसिटी है तो मशीनें भी उसको एक्सेप्ट करती है। उसके लिए होती है कि उस मडबॉल के नेचर को चेंज करना पड़ता है। उस मडबॉल के नेचर को चेंज करने के लिए उसको एक रब मशीन में डाला जाता है। रब मशीन में जब उसको रगड़ा जाता है तो मडबॉल का पाउडर बन जाता है, और पाउडर को हम उसको चेक करके उसको न्यूमेटिक सिस्टम से इसको आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ में इसमें इस प्रकार का जो भी ऑर्गेनिक रिजेक्शन होगा उसको भी कर लेते हैं। अब ये चले जाता है कि ये जो डस्ट जो निकली है वो गेहूँ की, आपने एक लाइन देखी होगी, हाँ, बीच में लाइन होता है, लाइन में ये जो डस्ट होती है वो फंस जाती है। अच्छा, इसलिए नहीं हुआ कि आपने सब कुछ साफ कर दिया, लेकिन आपके मशीनों ने उसमें जब साफ करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी गिरावट होगी, तो मशीनों की गिरावट जाएगी कहां, गेहूँ के साथ ही है। उसको रिमूव करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड से उस गेहूँ को निकाला जाता है, तो जल्दी जो भी गेहूँ की मशीनों से जो भी एडवर्टाइजिंग में जो मशीनों से पैसा हिसाब के रूप में अपने को मिला है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से साफ है। अब चक्कर ये पड़ता है कि गेहूँ जब पूरी तरह से आपका साफ है, सब कुछ है, लेकिन जब खेतों में, मंडियों में, गोदामों में गेहूँ रहता है, आप उसकी चौकीदारी नहीं कर सकते हो, चूहों की चौकीदारी नहीं कर सकते, सबकी चौकीदारी करने की चूहों की चौकीदारी बड़ी मुश्किल होती है। किसान के यहाँ पे क्यों रहेंगे तो भी उसमें चूहे हो जाएंगे, किसी मंडियों में जाएंगे, गोदाम में जाएंगे, तो आप ये चीज़ें हो नहीं पाती है। तो उसको चूहों की जो गंदगी हो जाती है गेहूँ के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए गेहूँ को वाश किया जाता है। वाश करने से जो गंदे पानी को ड्रेन कर लिया जाता है और अपने पास बिल्कुल साफ गेहूँ हो जाता है। उस साफ गेहूँ को गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे उसको स्टोर कर दिया जाता है ड्राई के लिए। तो स्टोर होने से क्या होगा कि इस गेहूँ के अंदर एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब गेहूँ में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो गेहूँ एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेता है, और नाइट्रोजन देके एक फोलिक एसिड बनाता है। फोलिक एसिड का मतलब प्रोटीन होता है। तो अपने को एक नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल बीज के अंदर जो अपने को फोलिक एसिड है उससे कई गुना ज़्यादा अपने को फोलिक एसिड प्रोटीन मिलता है। वो प्रोटीन जब इसकी
चरम सीमा आ जाती है क्वालिफिकेशन की, तो आप उसको ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के लिए आपके सामने जो पत्थर पड़ा हुआ है इसमें ग्राइंड होता है। इस ये पत्थर आयरन कोटेड स्टोन है। अच्छा, है ना, इसमें जो आपको बड़ा होल है, बड़े होल में एयर पास, एयर का इनपुट है, और ये छोटी छोटी छह धागे हैं, यहाँ से इसकी एयर की एग्जिट होती है। जब एयर आएगी तो एक कूलिंग सिस्टम पैदा करेगी, और कूलिंग सिस्टम में क्या है, स्टोन में गर्म नहीं होगा और आपका आटा भी गर्म नहीं होगा। जब आपका आटा गर्म नहीं होगा तो इसके न्यूट्रिशन में कोई कमी नहीं होगा, दोष नहीं आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको आटा बन जाता है। अब आटा बन गया, सबको आपने समय अच्छी तरह से कर दी, लोगों को भी धो दिया, सब प्रोजेक्शन निकाल दिया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका मशीनों का सब कुछ निकाल दिया, लेकिन फिर एक चैलेंज आ गया आपके साथ। वो चैलेंज क्या आ गया कि जो इसने आयरन कोटेड पत्थर ने डिसाउट किया कि वो कहाँ गई, वो आटे के साथ आ गई। हाँ, अब उसको रिमूव करने के लिए आटे को एक मैग्नेटिक फील्ड से निकाला जाता है। मैंने आपको पहले कहा कि ये आयरन कोटेड पत्थर है, तो आयरन कोटेड पत्थर में से जब आयरन की डिसाउट होगी इस पत्थर की, तो भी वो आयरन कोटेड डिसाउट ही होगी, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकाल के इस प्रकार के गंदा आटा पूरा अलग कर दिया जाता है, और आपका ये फ्रेश आटा। तो ये गंदा आटा है, ये गंदा आटा है, इसको अलग कर किया जाता है। गंदा आटे का मतलब इसमें घिसावट है, घिसावा है, स्टोन की घिसावट है, इसमें कोई घिसावट वगैरह सबसे रिमूव करते हैं। सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। जय आरसी। और आपका कोई कंफ्यूजन नहीं सर, एकदम पूरी शुरू से लेकर आखिर तक आपने बहुत अच्छे से बताया सर, थैंक यू सर। जय आरसी सर। जय आरसी दोस्तों, आज हम लोग गेहूं से लेके एकदम आटा बनने तक का प्रोसेसिंग देखा, ऐसे ही पूरा डिटेल्स आरसी का हर एक कोड़ाई के बारे में, आरसी वाल का हर एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय आरसीएम।